हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास 10th बाय गौरव सर। बच्चों, हम बात करने वाले हैं आज एक नए चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आइए समझते हैं क्या होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेट्स स्टार्ट लेक्चर। तो बच्चों, बात कर रहे हैं मेटल नॉन मेटल के बारे में, लेकिन मेटल नॉन मेटल को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि दुनिया में जितने भी मेटल नॉन मेटल हैं, आखिर वो मिलते कहाँ हैं, कैसे हैं। हालांकि आप अपनी जूनियर क्लासेस के अंदर इन सब के बारे में बात करके आए हैं, लेकिन आज हम इसके बारे में दोबारा बात करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल मिलते कहाँ हैं और कैसे हैं। अगर हम बात करें कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, इसको समझ क्यों रहे हैं, तो मैं आपको बताऊँ कि असल में हम चाहते क्या थे। हम चाहते थे अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग एटम्स को अच्छे तरीके से क्लासीफाई करना। जैसे 9th क्लास में एक चैप्टर आया करता था डाइवर्सिटी, जिसके अंदर हमें क्लासीफाई करना था किसको, एनिमल्स और प्लांट्स को। हालांकि वो चैप्टर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि कोविड की वजह से आप लोगों का वो चैप्टर जो है वो डिलीट हो गया होगा, लेकिन फिर भी 9th क्लास में हम एक चैप्टर पढ़ते थे डाइवर्सिटी, जिसमें हम पढ़ते थे कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं, किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, जीनस क्या होता है, ये सब बातों के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन अब हमें बात करनी है किसके बारे में, हमें बात करनी है केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स के बारे में, कि कौन सा एलिमेंट क्या है, किसको कैसे स्टडी कर सकें। तो सबसे पहला तरीका जो एलिमेंट्स को स्टडी करने का आया, वो आया क्या, वो आया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बच्चों हमारे पास लगभग 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, और इन 118 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना, इनको अलग से समझना, अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था, अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो इस काम को आसान करने के लिए, हमें मेटल और नॉन मेटल को पढ़ना या उसके अंदर एलिमेंट्स को डिवाइड करना ज़रूरी था। बच्चों, अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं, एक्सेप्ट 22 एलिमेंट्स, 22 नॉन मेटल हैं, उसको छोड़कर 118 में से बाकी सारे के सारे मेटल हैं। इन 22 नॉन मेटल में से 10 नॉन मेटल सॉलिड हैं, एक नॉन मेटल लिक्विड है जो कि ब्रोमीन है, और बाकी के 11 नॉन मेटल कैसे हैं, गैसेज हैं। तो हमारे पास ज़्यादातर क्या चीज़ें हैं बच्चों, हमारे पास ज़्यादातर हैं मेटल्स, क्या है, ज़्यादातर मेटल्स, और कम है क्या, नॉन मेटल्स। इसके अलावा हम एलिमेंट्स को एक और पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, हालांकि जो पूरी तरीके से सही नहीं है, और वो पार्ट क्या है, वो पार्ट है दैट इज मेटलॉइड। क्या है, मेटलॉइड। तो मेटलॉइड में भी उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो 118 में से 22 नॉन मेटल हैं, उसको छोड़ के बाकी सारे मेटल हैं। तो बच्चों, ये है आपके सामने क्या, ये है आपके सामने पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्या देखेंगे कि ज़्यादातर पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ब्लू कलर से एलिमेंट्स दिखा रखे हैं वो क्या हैं, वो हैं मेटल्स, और जो ग्रीन कलर से दिखाए हुए हैं वो हैं मेटलॉइड्स, और जो येलो कलर से दिखाए हुए हैं बच्चों वो क्या हैं, वो हैं नॉन मेटल्स। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमने जैसे अभी पहले थोड़ी देर पहले बात की थी कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स, सारे जो क्या हैं ये सारे मेटल्स हैं, और बहुत कम हैं क्या, नॉन मेटल्स। दूसरी बात, पीरियोडिक टेबल एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर हमने अलग अलग एलिमेंट्स को आपस में अरेंज करके रखा है। इस टेबल के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिगजैग मोशन की ये जो लाइन आ रही है, ये जो आप जगह देखेंगे यहाँ पर लाइन आ रही है, ये लाइन डिवाइड कर रही है किसको, ये लाइन डिवाइड कर रही है मेटल और मेटलॉइड्स को। यानी कि इस लाइन से लेफ्ट साइड पर सारे के सारे क्या है, सारे के सारे मेटल हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अकेला नॉन मेटल है जो लेफ्ट साइड पर है, वरना सारे के सारे जो नॉन मेटल हैं वो राइट साइड पर हैं। सारे के सारे नॉन मेटल कहाँ है, राइट साइड पर। सर, ग्रीन बॉक्सेस आर ऑफ डिफरेंट शेड्स। हाँ, तो मैं कब मना कर रहा हूँ, डिफरेंट शेड्स हैं, वो क्या है, वो मेटलॉइड्स हैं। पढ़ो, लेजेंड्स पढ़ने आते हैं, यू नो व्हाट इज लेजेंड्स, LEGENDS, लेजेंड्स, ये रहे लेजेंड्स बेटा। ब्लू माने मेटल, ग्रीन माने मेटलॉइड, और येलो माने नॉन मेटल, ठीक है। तो इस तरीके से लेफ्ट टू राइट जाने पर आपको नॉन मेटल मिलेंगे, और राइट टू लेफ्ट जाने पर आपको क्या मिलेंगे, राइट टू लेफ्ट जाने पर आपको मेटल मिलेंगे। मेटल और नॉन मेटल दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं किसको, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं प्रोडक्ट टेबल को। समझने के लिए बोरोन को हमने बोल दिया भाई मेटलॉइड है, इसके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज दोनों की आ गई, लेकिन हकीकत में या तो मेटल होते हैं या फिर नॉन मेटल होते हैं। बीच का सिस्टम एलिमेंट्स में तो नहीं चलता, इंसानों का पता नहीं, बाकियों का पता नहीं, पर बीच का सिस्टम एलिमेंट्स में ज़्यादातर नहीं चलता है, ठीक है। तो ये था होते हैं या थी होते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, बात करते हैं कि भैया जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के बारे में। अगर आप मेटल की जनरल प्रॉपर्टीज समझना चाहते हैं तो एक ही बात याद रखिएगा, द मेटल्स आर महान। मेटल्स कैसे होते हैं भैया, मेटल्स आर महान। व्हाट इज यू मीन बाई महान, कौन होता है महान, चलो कौन बताएगा कि महान का मतलब क्या है, कौन होता है महान, एनीवन हु कैन एक्सप्लेन मी।
सर मेटलॉइड इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोल रहा है रक्षित, सेमी मेटल। भाई मैंने नहीं सुना ना, मैं कहता हूँ मैंने ये सब बातें नहीं सुनी। द वन दैट इज ग्रेट, अच्छा अंग्रेजी का रूपांतरण पूछा है मैंने। अबे मतलब महानता की मतलब क्या होता है, तुम महान हो कि नहीं हो कैसे पता चलेगा, व्हाट डू मीन बाय महान। जैसे मैं बहुत महान हूँ, मैं महान क्यों हूँ, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ फालतू की बातें, बर्दाश्त कर रहा हूँ फालतू क्वेश्चन, बर्दाश्त कर रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं कह रहा हूँ। करेक्टरिस्टिक से पता चलेगा, और मेटल की सबसे बेहतरीन करेक्टरिस्टिक उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छुपी होती है। याद रखना मेटल को महान क्यों बता रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, पर फिलहाल मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वो होते हैं जिनके, हाँ करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे लेकिन जिनके आखिरी में 1, 2 या 3 आता है, जिनके आखिरी में 1, 2 या 3 आता है इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम बात करें सोडियम एलिमेंट की, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 281, 9th क्लास में पढ़ी थी। मान लीजिए हम बात करते हैं क्लोरीन की 17, तो 285 है ना, सॉरी 287। तो दोनों में से क्या हुआ, दोनों में से अगर हम बात करें तो सोडियम के आखिरी में क्या आ रहा है, 1, तो ये मेटल है लेकिन ये मेटल नहीं है, क्लोरीन मेटल नहीं है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें बोरोन की या बेरिलियम की करते हैं चलिए पहले, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो इसके आखिरी में कितना आया, इसके आखिरी में 2 आया, तो ये मेटल है या नहीं है, बेरिलियम मेटल हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है ना, तो ये मेटल हुआ, ये हमारे पास क्या बन गया, मेटल बन गया। लेकिन बात करें बोरोन की जिसके आखिरी में 5 आ रहा है, तो 2, 3 ये भी क्या है तो मेटल लेकिन करेक्टरिस्टिक दिखाता है ये नॉन मेटल जैसी, पर इसे हम मेटल बोलते हैं, इसीलिए बोरोन को इधर से उधर, उधर से इधर मेटलॉइड में रख दिया जाता है, ये पंगा होता है, समझे बात को। अब दिखता तो मेटल जैसा है, हरकतें नॉन मेटल जैसी करता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, दिखते तो कुछ हैं करते कुछ हैं, दिखते तो कुछ हैं होते कुछ हैं करते कुछ हैं, उस चक्कर में इन्हें मेटलॉइड बोल दिया जाता है, ठीक। तो अब आपको क्या करना क्या है, आपको सिर्फ याद रखना है आपके लिए बोरोन क्या बन जाएगा, आपके लिए बोरोन मेटल ही बन जाएगा, आपके लिए बोरोन क्या कहलाएगा, मेटल ही कहलाएगा, एल्यूमिनियम भी क्या कहलाएगा, मेटल ही कहलाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 13, 283। लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 3, 2, 1। मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 12, तो ये भी क्या होगा मेटल, तो जिसके आखिरी में 282, जिसके आखिरी में 1 आ रहा हो 2 आ रहा हो, यस सर होते हैं ना, तो जिसके आखिरी में 1 आ रहा हो 2 आ रहा हो 3 आ रहा हो, 1, 2 और 3 आ रहा हो, वो सब क्या होते हैं, वो सब मेटल्स होते हैं, दीज ऑल आर नोन एज मेटल्स, इन सबको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे बच्चों एक एक करके मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। पहले मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ लेते हैं कि मेटल जनरली होते क्या हैं। मैं उन्हें क्यों कह रहा हूँ महान, उनको महानताओं की उच्चतम सीढ़ियों पर क्यों रखा गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की क्या है, महानता दिखाती है उसकी, दैट इज मेटल आर सॉलिड, महान लोग सॉलिड होते हैं, महान लोग जल्दी पिघलते नहीं हैं, महान लोग जो होते हैं हार्ड भी होते हैं ना, तो ऐसे ही मेटल क्या है, मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। पर इन महान लोगों में एक मेटल है मरकरी, जो कि क्या है, जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। हालांकि हम सोडियम को अगर अपने हाथ पे रखें तो सोडियम हमारे हाथ की गर्मी से ही लिक्विड बन जाता है, लेकिन लेकिन हम ये बोलेंगे क्या कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। तो मरकरी को छोड़कर बाकी सारे मेटल क्या हैं, वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है बच्चों। अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 2 प्रॉपर्टी की तरफ, वो भी महान प्रॉपर्टी है, यानी कि उस प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं मेटल क्या है, महान है, मेटल आर मेलिएबल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेटल आर मेलिएबल, मेलिएबल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेटल आर मेलिएबल, दैट इज दे कैन कन्वर्ट इनटू थिन शीट, मेले नहीं हो जाते वो, हाँ वो क्या हो जाते हैं, थिन शीट में बदल जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मेलिएबिलिटी किसकी है, गोल्ड की और सिल्वर की, गोल्ड एंड सिल्वर आर अमंग्स द बेस्ट मेटल विच कैन बी मेलिएबल। ऐसे ही अगर आपने गोल्ड सिल्वर देखा है कहीं पर, गोल्ड और सिल्वर के बारे में कहीं देखा है, कहाँ मिलते हैं इतनी पतली शीट गोल्ड और सिल्वर की, किसी को मालूम है, जैसे हम मिलाते हैं इसको मिठाइयों की दुकान पर, मिठाई की दुकान पर चांदी का वर्क होता है ना, तो वो चांदी का वर्क क्या है, स्वीट्स के ऊपर लग रहा है। एल्यूमिनियम फॉइल हो गई जो आप घर में यूज़ करते हो, हालांकि एल्यूमिनियम फॉइल तो और भी बहुत मोटी होती है, उससे कहीं ज़्यादा पतली होती है ना, तुमने तो चांदी का वर्क खाया होगा, कुछ अमीर लोग होते हैं मेरे जैसे जो सोने का वर्क वाली मिठाई भी खाते हैं। जैसे मैं एक बार आई थिंक हाँ नोएडा गया था, तो वहाँ पर एक मॉल है, उस मॉल में मैंने
एक आइसक्रीम ली थी, चॉकलेट आइसक्रीम, जिसके ऊपर उन्होंने चॉकलेट आइसक्रीम के ऊपर सोने का वर्क लगा के दिया था, तो दैट इज गोल्ड की भी फॉइल बन जाती है। ठीक है जी, अब बात करते हैं भैया तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में, मेटल आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब क्या, डक बन जाती है उनकी बत्तख? नहीं, यस मेटल आर डक्टाइल दैट मीन्स दे हैव द एबिलिटी टू ड्रॉन इन टू अ थिन वायर, दे हैव एबिलिटी टू ड्रॉन इन टू अ थिन वायर, बहुत पतली तार में वो बदल जाते हैं। पतली तार में बदल जाते हैं मतलब कैसे, अगर आपने नाम सुना हो कांजीवरम साड़ीज, कांजीवरम साड़ीज एक ऐसी साड़ीज होती हैं जिनके अंदर सोने का धागे से कढ़ाई होती है, और बहुत ही मतलब मशहूर साड़ीज़ हैं वो, बहुत फेमस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत रिनाउंस्ड हैं वो, और उसका पेटेंट भी है इंडिया के पास। तो इतना पतला तार बन सकता है, जैसे अगर आप सुनोगे तो 10 ग्राम एक तोला होता है, जो सोने की बात करें या चांदी की बात करें तो एक तोला 10 ग्राम होता है, 2 तोले में पूरा नेकलेस बन जाता है, तो 20 ग्राम मेटल में पूरा नेकलेस बन गया, उसके शीट वीट सब बन गई, तार वार सब बन गई, इतना भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं, उनको पतली से पतली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये कोई महान आदमी ही कर सकता है। इसके बाद इनकी महानता की अगली बात करें तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं, अच्छी बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को कंडक्ट करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले भी हमने शायद इसके बारे में बात की थी, मेटल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अच्छा, मैंने एक बात बताई थी, याद है किसी को, कि एक चीज़ होती है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती पर हीट कंडक्ट करती है, कुछ दिन पहले ही बताया था मैंने, आई थिंक लास्ट चैप्टर में इसके बारे में बात हुई थी। रेयन नहीं था भाई, इसका आंसर गलत है, एलोएस भी नहीं था इसका, तुम लोगों से बात नहीं हुई था इसके बारे में, है ना, जब मैंने पूछा था कि मम्मी जो है वो जो मम्मी का क्या कहते हैं, मम्मी का घर होता है अपना पुराना, नानी का घर होता है, तो नानी के घर को मम्मी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं नानी के घर को, नहीं बताया था, चलो मैं बताता हूँ, तो बढ़िया तरीके से बताता हूँ। शादी के बाद जो माताजी घर से सामान लाती हैं अपने, उसे क्या बोलते हैं, मतलब फीमेल्स आई एम सॉरी, वो जो घर से सामान लाती हैं अपने उसे क्या बोलते हैं, दहेज बोलते हैं ना। दहेज में क्या क्या आता है, चलो बताओ दहेज में क्या क्या आता है, अब डाउरी में क्या क्या आता है, सोफा, फर्नीचर, कार, माइका आती है, एक मिनट रुकना जरा, एक सेकेंड एक सेकेंड, उज्जवल के घर पे माइका, बेटे सन माइका कौन मांगता है घर में, क्या पागल हो गया क्या, दहेज में माइका मांगते हो तुम, हद दी है। कार चाहिए, किसको कार चाहिए जरा, आदित्य को कार चाहिए, एक सेकेंड, टीवी किसको चाहिए, अनुवंश को टीवी चाहिए, और ज्वेलरी किसको चाहिए, ये ना तुम लोग जो लिख रहे हो सारे के सारे, याद रखना ये तुम्हारे अपने खुद के अंदर के लालच सामने आ रहे हैं। हाँ, अब इलीगल हो गया, जैसे ही मैंने ये सब बोला अब इलीगल हो गया, उसे हायबूसा चाहिए समर्थ को, भूसे जैसी तुम्हारी जो है ना हरकतें हैं, मतलब हद है तुम्हें, और तुम्हें हायबूसा चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, स्वीट्स चाहिए, राधिका कह रही है स्वीट्स लेकर आते हैं, ये चलो फिर भी चल जाएगा, हायबूसा वाले काम भी करें तेने कभी जिंदगी में, मतलब कमाल ही कर रखा है बिल्कुल। खैर, तो भैया क्या होता है, बेसिकली दैट इज़ जो है वो बहुत सारी चीज़ें लाती हैं, उनमें घर का सामान भी होता है, जिसमें से एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं आयरन, आयरन समझते हो, लोहा नहीं होता वो, आयरन मतलब कपड़े प्रेस करने वाली जो आयरन होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, टू प्रेस, जैसे हम सिंपली प्रेस बोल देते हैं। अब इस प्रेस के अंदर जो प्रेस होती है उसका जो अंदर का हिस्सा होता है, जैसे ये मान लो प्रेस है, प्रेस बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मान लो ये प्रेस है, ठीक है, इसके जो अंदर का हिस्सा होता है, इसके अंदर लगा होता है एक चीज़ जिसका नाम होता है माइका, तो माइके से आती है प्रेस, जिसके अंदर लगा होता है माइका। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने हाईबूसा का पूछा था, मम्मी के घर को हाईबूसा भी नहीं बोलते सर, मैं आपके पूछ लिया, चल भाई तू देता रहा सर, मैं मेरे को समझ में आ रहा, बहुत सारे लोग बहुत सारी बात बोल देते हैं ना। खैर, तो अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट, तो माइका क्या है, माइका इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेरोलैक एक्सेल माइका मार्बल, भाई मुझसे गलती हो गई, मुझसे कतई गलती हो गई भाई, उज्जवल आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं समझ सकता भाई तेरे कमेंट्स को, इफ सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो हम सिल्वर की